अगर आप भी फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक पे जो आप वीडियो देखते हैं तो आप उस वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो आते हैं और बहुत अलग अलग वीडियो आते हैं, यानी आप मूवी भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं और बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक पे जो वीडियो देखते हैं तो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुपम सिंह और आपसे का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो जो अपलोड हो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आना है आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आप अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइज, यहां से हम कोई एक वीडियो प्ले कर लेते हैं जिसे हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो गाइज, आप कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेंगे। सो गाइज, यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पे एक वीडियो, इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो गाइज, सिंपल सा है, आप कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइज, नीचे एक ऑप्शन दिया गया है शेयर का। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे एक दिया गया है ऑप्शन शेयर का, तो आप लोग क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ से आप व्हाट्सअप से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर से भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर से भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लिंक कर सकते हैं, यानी वीडियो का लिंक कॉपी भी कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मोर का, तो आप लोग क्या करेंगे, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप में भीड़मेट ऐप है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, आज मैं आपको भीड़मेट से डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो गाइज, हम लोग क्या करते हैं, भीड़मेट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, यहां से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हैं नीचे एक एरो का ऑप्शन दिया गया है रेड एरो का, तो आप लोग क्या करेंगे, रेड एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहां से बहुत सारे क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, 180p में भी कर सकते हैं, 360p में भी कर सकते हैं, 480p भी कर सकते हैं और 720p भी कर सकते हैं, यानी लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, आप कोई भी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस क्वालिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड का, तो आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा डन का, तो आप लोग क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वीडियो डाउनलोड होने लगेगा। तो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर कोने में एक रेड एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, यानी ऊपर कोने में। तो गाइज, आप लोग क्या करेंगे, उस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में वीडियो डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज, आप भी इस तरह से अपने फ़ोन में फेसबुक पे जो वीडियो प्ले होता है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।